नमस्कार, 5G मैथ एंड रीजनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बोर्ड मास का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ। यदि दो पार्ट आपने पहले नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। आज ये सवाल लिया है अपन ने, 87/डिवाइड कोष्टक 100 ऑफ 1/5 प्लस 63 ऑफ 7/डिवाइड बिरली को मध्यम कोट 7 ऑफ 49/7 7/3। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। यदि चैनल पर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आशा करता हूँ कि पिछले जो वीडियो आपने देखे होंगे वो पसंद आए होंगे। थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं थी, थोड़ी मदद करें। ठीक है, इधर उधर की बातें ना करते हुए अपन सवाल करते हैं। देखिए अपना आज का पहला सवाल ये, तो बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले छोटा ब्रेक सॉल्व होता है, ए होगा। 7 किसमें भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49। फिर 7 ऑफ है, ऑफ का मतलब का और का मतलब गुणा। आशा करता हूँ कि तुम समझ में आ गया होगा। 7 × 7 = 49, इतना अपना 87/100 ऑफ 1/5 प्लस 63 ऑफ 7 डिवाइड का चिन्ह डिवाइड लगा दिया। देखिए इतने का निकल के आया अपना 49। ऐसा कर दूँ इतने समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अपन ने इसका भाग दिया तो 7 × 7 = 49 आया। ऑफ का मतलब होता है गुणा यानी का, इसका गुणा 49 आया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए, फिर उसके बाद डिवाइड तो सॉल्व होगा नहीं, का सॉल्व होगा ए वाला। तो 87/100 ऑफ 1/5 प्लस 63 ऑफ 7/49 हो जाएगा, हो जाएगा ए बटे में है, भाग गया ना, डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 7, 7 × 63। आशा करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 87/100 ऑफ का मतलब का 1/5 आ जाएगा प्लस 9, यहाँ से इतना कितना आया था 9। देखो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 20 आ गया, 20 × 20 तो 87/1 = 29 हो जाएगा। ये 20 + 9 = 29। ऐसा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर इसका अपन इसमें भाग देते हैं, कितनी बार, 3 बार, आंसर आ गया 3। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज का दूसरा सवाल करते हैं। वन प्लस टू डिवाइड कोष्ठक ब्रैकेट प्लस टू डिवाइड फिर वन प्लस 1/3 कोष्ठक 1। सबसे पहले क्या होगा, छोटा ब्रेकर सॉल्व ए, तो कितना यहाँ अपन 1 ले लेंगे तो 3 × 3 = 3 + 1 = 4/3। इतना तो आपको आता होगा, इसका एलसीएम लिया 3, 1 का इसमें भाग दिया 3 × 3, 3 के इसमें गुणा हो गए 3, 3 × 3 तो 1 का 1, ये 3 और 1 = 4, तो इसका निकल के कितना आ गया 4/3। यदि नहीं बनता हो तो एक भिन्न फ्रैक्शन का वीडियो मैं कल बना दूंगा, जिससे अच्छे से फ्रैक्शन आपको समझ लेना, जिसको भी फ्रैक्शन नहीं आती हो। ठीक है, 4/3 हो गया। 1 + 2 = 1 + 2, यहाँ कितना 4/3 है।
ऐसा करते हैं उतना समझ में आ गया होगा। देखिए वन प्लस टू अपॉन वन प्लस टू ये बटे में 4/3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको अपन वन मान लेते हैं, तो वन प्लस टू डिवाइड, देखिए वन प्लस टू बटे 4, ये जब भी रहता है ये हमेशा बटे में उल्टा होकर बटे में आ जाता है, तो 1/2 भाग में रहता है, जैसे ये ऐसा होता। तीन बटा ये, तो इसको ये लग सकते थे, बिल्कुल लग सकते, जब ये रहता है तो ये कैसे लिखा जाता, उल्टा हो जाता है, इसी तरह ये उल्टा है। 1/3, 2 × 2 = 12, तो वन प्लस टू डिवाइड वन, 2 × 2 = 12, आशा करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। देखिए फिर यहाँ पर एल सी एम लेंगे, तो वन प्लस टू डिवाइड एल सी एम 12, 12 × 12 दो, वन प्लस टू डिवाइड 12, 12 × 14 दो से काट दिए, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12। ठीक है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, 1/1 + 2 डिवाइड, ये यहाँ 7/6 आया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 बट्टे में 7/6, इसको फिर अपन ने जब कुछ नहीं रहता तो नीचे एक मान लेते हैं, इसको फिर उल्टा कर दिया, तो 1 + 3/7 और 1/6 6 × 7 = 42, 3 × 3 प्लस का 1, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 42 आ जाएगा, 42 × 42 + 3 तो 45/42 अपना आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा, यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब आज का तीसरा सवाल करते हैं। ये है आप आज का तीसरा सवाल, एक बार आप ट्राई करके देखिए। ठीक है अपन करते, सबसे पहले ब्रेकेट सोल्व होगा, तो माइनस भाग में रहता है प्लस हो जाएगा, तो 35 में 5 का भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ठीक है अभी अपना 75 29/69 कितना आ गया 7। ऐसा करता हूँ कितना समझ में आ गया हो, फिर इसका इसमें भाग जाएगा 7 × 63, 275% 29 माइनस का 6 से ऑफ कितना, यहाँ से 9 आ गया, देखो तो प्लस माइनस, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस क्या आता है माइनस, 9/90 ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है, 9/9 = 54 माइनस का आएगा 29/21 में है 275, तो पहले यही सॉल्व होगा, इसमें से माइनस करेंगे 54 में से 29 जाएंगे कितने बचे 25। ठीक है अपन 275 फिर 275 में भाग दे देंगे तो 11 अपना आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया अपन ने, इसमें भाग दिया तो 5 × 7 = 35 माइनस से माइनस कट गया, फिर 5 का 7 में दिया 7 × 63, 9 × 9 = 54 54 माइनस में आया क्योंकि माइनस रहे या प्लस है, यदि ये प्लस माइनस का आपको नहीं मालूम हो तो इसका वीडियो बना के एक डाल दूंगा,
फिर 29 अगर अपन ने घटा दिए तो 25 है, 25 के संभाग दे दिए तो 11 अपना आंसर आ गया। एक सवाल मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ट्राई कर लीजिए, यदि ना बने तो कमेंट में बता देना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए वीडियो बहुत ही अच्छा है अपना, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, कमेंट करके इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। 0.9 × 0.9 प्लस 2.3 × 2.3 प्लस 0.3 × 0.3 × 0.3 × 2.9 × 0.2 × 2.3। सवाल बहुत ही अच्छा है, दिमाग लगे करना, आराम से हो जाएगा। नीचे 9 × 9 प्लस 0.2 × 0.2 × 0.3 × 0.3 माइनस 0.9 × 0.2 माइनस 0.2 × 0.3 माइनस 0.9 है, ठीक है समझ लेना, 0.3। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस 0.9 × 0.3। आशा करता हूँ कि होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट को आंसर को कमेंट जरूर कमेंट में भेज दें, जिस पे भी नहीं बने बोल देना, कल मैं ये होमवर्क का सवाल है करवा दूंगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखना, अच्छे क्वेश्चन है, जिस पे भी बन जाएगा, हाँ वो तैयारी कर रहा है, वो मेहनत करता है, इसलिए आप भी डेली कम से कम 25-30 सवाल डेली लगाएं प्रैक्टिस, फिर अपन मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे। यदि चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।